हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले अनबॉक्स एंड रिव्यू रियल मी बर्ड वायरलेस ईयरफोन का। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा बॉक्स। सो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मैग्नेटिक कंट्रोल, दूसरा है 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर, 12 आवर का प्लेबैक मिलेगा आपको, जो नेक होगा नेकलेस ये जो है ये आपका फ्लेक्सिबल है, ब्लूटूथ 5.0 है और स्वेट प्रूफ है IPX4 का। और इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या प्राइस है। सो या लेट्स अनबॉक्स दिस। सो अनबॉक्स करते हमको ये ऐसा कुछ देखने मिलता है। सो ऐसा कुछ हमको देखने मिलता है। तो एक यहाँ पे भी एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ आपको पेपर वर्क मिलता है। सो पहले ये देख लेते हैं। सो इसके अंदर आपको मिलेगा एक USB टाइप चार्जिंग केबल, जो कि फास्ट चार्जिंग है, और एक ये मैनुअल मिलेगा जिसके अंदर ये सब डिटेल है कैसे आपको इसे यूज करना और क्या है। सो इस चीज को हम लोग साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा ईयरफोन, इसको निकालते पहले। तो सो मैंने इसे यूज किया है 2-3 दिन से। सो इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो ये है हमारा नेकलेस, जो केबल है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, देख सकते हैं एकदम ये अच्छी तरह से चौड़ा जाता है। और सबको पता है ये मैग्नेटिक टिप है, तो ये इजीली चिपक जाएगा। सो इसकी बैटरी बैकअप है अराउंड 12 आवर्स लिखा हुआ है इसमें, आप इजीली इसे यूज कर सकते हो। 110 mAh की इसकी बैटरी है। फिर इस पे आते हैं तो इजीली ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी ये लगा हुआ है तो यहाँ पे अभी रेड लाइट आ रहा है। तो अभी जैसे मैं इसको हटाऊंगा वैसे लाइट चालू हो जाएगी और ये अपने आप ही डिवाइस कनेक्ट होने लगेगा। कम ऑन, चार्जिंग खत्म। सो हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइट आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पेयर कर लेते एक फोन से। सो इससे हम लोग पेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट आ रही है, जस्ट ओपन अप ब्लूटूथ। और सिंपली ये सर्च करेगा। सो सर्च में ये आ चुका है रियल मी बर्ड, तो इससे पेयर कर लेना आपको। पेयर करने के बाद ये आप कोई भी इसमें सॉन्ग प्ले करो। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप कॉल पे हो और कोई म्यूजिक व्यूजिक सुन रहे हो, तो जैसे कि मैंने अभी ये प्ले कर दिया, सो अभी म्यूजिक प्ले हो रहा है, समझ लो आपको निकालना और म्यूजिक बंद करना है, लेकिन आपको फोन यूज नहीं करना बंद करने के लिए। सो सिंपली क्या करना है आपको, इसे टच कर देना तो ये अपने आप ही पॉज हो जाएगा। देख सकते हैं ये अपने आप ही पॉज हो जाएगा। फिर आपको निकालना हो तो आप प्ले करने के लिए यहाँ से ये जो प्ले और पॉज का बटन है इसको दबाइए और ये अपने आप ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई कॉल आता है तो ये अपने आप ही म्यूजिक बंद हो जाएगा। और देख सकते हैं मैं टच करूँगा तो ये बंद हो जाता है। सो ये जो बटन्स दिया हुआ है इसमें, ये जो बटन्स दिए हुए हैं तो ये है प्ले पॉज के लिए, प्लस म्यूजिक सॉन्ग नेक्स्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है इसको, और आंसर इनकमिंग कॉल के लिए रिजेक्ट करने के लिए भी आपको सेम दबाना है। बाद में है अगर आप वॉइस असिस्टेंट ऑन करना चाहते हो इसे ऑन कर सकते हो। एंड जो प्लस का सिम्बॉल है वो आपको काम आएगा वॉल्यूम
ज्यादा करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वॉल्यूम अपने आप ही फुल हो जाएगी, और फिर बाद में जो माइनस का है वो है कम करने के लिए, कम और ज्यादा करने के लिए। अगर आप एक ही बार प्रेस करके रखोगे तो एक ही एकदम फुल हो जाएगा वॉल्यूम अपने आप ही, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्ले करने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले हो जाएगा अपने आप ही। और अगर आप डबल करके सॉन्ग्स चेंज करना चाहते हो तो डबल प्रेस करो तो ये सॉन्ग चेंज कर देगा। और अगर आप चाहते हो प्रीवियस सॉन्ग आए तो आपको 3 बार इसे क्लिक करना है, 1 2 3, तो उससे क्या होगा जो सॉन्ग देखो जो प्रीवियस सॉन्ग था वो वापस आप सुन सकते हो इससे। एक सौ दस 110 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी इसके अंदर, प्लस जो इसका प्रोटोकॉल है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं वो है HFP, फिर HZDP, फिर इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 है, मैंने आपको बता दिया पहले। फिर जो इसका कनेक्शन रेंज है वो है 10 मीटर तक, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वाटर रेजिस्टेंस है जिसे स्वेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, अगर आप जॉगिंग करने जा रहे हो तो आपको ये जो स्वेटिंग होती है उससे भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक करना और कमेंट करना आपको कैसा लगा।